हैप्पी बर्थडे लेनी। हैप्पी बर्थडे चीना। लेनी के साथ हुआ क्या है? यही पहले हम सुलझा रहे हैं। आपको लगता है कोई उसे ले गया? ए, हमें यहाँ कुछ मिला है? तो तुमसे? मुझे तो यही लगता है कुछ चीजें। तो, मुझे बस इतना पता है कि मेरी बहन लापता है और शायद मर भी गई हो। या दोस्तों, आज हम एकोस वेब सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, ये वेब सीरीज़ काफ़ी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम जीना मैक्लोरी को देख सकते हैं। वह पेशे से एक पब्लिशर का काम करती है लॉस एंजलिस में, और उसकी शादी चार्ली नाम के एक लड़के से हुई होती है। उसकी एक जुड़वा बहन भी होती है लेनी, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वह एक दूसरे के टच में हमेशा रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ 36 घंटों से लेनी ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है। तभी लेनी का पति जैक जीना को कॉल करके बताता है कि उसकी बहन गायब है, वह काफ़ी समय से मिल नहीं रही है। जीना तुरंत वर्जीनिया के लिए फ्लाइट से रवाना होती है, जहाँ पर लेनी और जैक अपनी बच्ची के साथ रहा करते थे एक हॉर्स फार्म में, या फिर हम उसे घोड़ों का अस्तबल भी कहते हैं। फ्लाइट में जीना अपनी बहन लेनी का वॉइस मैसेज भी करती है। वर्जीनिया पहुंचकर जीना काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर लेनी की बेस्ट फ्रेंड मैक नहीं होती है, और उसे वहां पर जैक और लेनी के घर पर एक जवान खूबसूरत बेबी सिटर भी मिलती है, जो कि उनकी बच्ची की देखभाल किया करती थी। उनकी बच्ची का नाम मैरी होता है, और वो वहां पर यह भी नोटिस करती है कि मैरी का रूम अब हॉल में शिफ्ट कर दिया गया है। मैरी जैक से बात करती है। जैक जीना से पूछता है कि क्या तुम्हारी उससे कुछ खास बात हुई थी जो कि अजीब हो। जीना बताती है कि नए घोड़ों की ट्रेनिंग थी, पिछले हफ्ते नए घोड़े की सवारी की थी, जिस पर जैक कहता है कि नया घोड़ा तो पिछले महीने आया था। तभी जीना शेरिफ लुइस से मिलती है। वह दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वह पूछती है कि अब तुमने मेरी बहन को ढूंढना बंद क्यों कर दिया, जिस पर लुइस कहती है कि रात में पहाड़ी इलाके में काफ़ी परेशानी होती है, वहाँ पर रोशनी काफ़ी कम है। जीना पूछती है कि लेनी के साथ क्या हुआ है, जिस पर लुइस कहती है कि जब हम पहुँचे तो अस्तबल के बोल्ट कटे हुए थे, अस्तबल पूरी तरह से बिखरा हुआ था, और उन्हें वहाँ पर किसी के पैरों के निशान भी मिले हैं। शेरिफ लुइस अपने पार्टनर से बात करते हुए कहती है कि इनकी फैमिली में कभी भी खुशियाँ नहीं आई हैं। जीना अपने डैड के घर पर रुकने का फैसला करती है। वहाँ पर क्लॉडिया भी होती है, जो कि व्हील चेयर पर होती है। वहीं पर हम फ्लैशबैक में देख सकते हैं कि लेनी और जीना अपनी मॉम के साथ में है, जो कि काफ़ी यंग एज में कैंसर के कारण मर गई थी। जीना लेनी के पुराने बेडरूम में जाती है, जहां पर उसे डॉल मिलती है जिसके दोनों हाथ गायब होते हैं। वह अपने डैड से पूछती है कि आखिर ये किसने किया। क्लॉडिया कहती है कि कभी कभी जैक उस रूम में जाता था, और मैरी और लेनी भी। जीना डिसाइड करती है कि वह रिवर साइड में कोई होटल में रुक जाएगी। वह वहाँ पर अपने पति को कॉल भी करती है। जीना एक पेड़ के पास जाती है, जहाँ पर उसे डॉल का एक हाथ मिलता है। उसके हाथ में एक रस्सी बंधी हुई होती है। वह अपनी बहन का ऑनलाइन ब्लॉग देखती है, जिसमें वह कहती है कि आजकल वह काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, लगभग 12-12 घंटे। उसके बाद वह नहाने चली जाती है, जहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसके चाइल्डहुड का बैड एक्सपीरियंस, जिसमें वह बाथटब में डूब रही होती है। अगले दिन लेनी का घोड़ा मिलता है, जिस पर खून लगा होता है। वह सारे लोग जंगल में जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर एक मरा हुआ घोड़ा मिलता है, जिस पर शेरिफ जैक से पूछती है कि तुम्हारे पास इस घोड़े का रिकॉर्ड ज़रूर होना चाहिए, और उस घोड़े की चिप भी निकली हुई थी। शेरिफ और जीना वॉक पर जाते हैं, जहाँ पर शेरिफ कहती है कि हो सकता है कि जैक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो, पर जीना कहती है कि लेनी उसे कभी ऐसा नहीं करने देगी। तभी जब जैक फ़ोन पर बात कर रहा होता है, वह फ़ोन पर कह रहा होता है कि शेरिफ मुझसे उस घोड़े के रिकॉर्ड के बारे में पूछ रही थी। तभी पीछे से जीना आ जाती है, और वह ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वह जैक को लेनी के ऑनलाइन ब्लॉग के बारे में बताती है कि वह कह रही थी कि वह 12-12 घंटे काम कर रही है, पर जैक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जीना और लेनी कैसे आपस में अटैच हैं। उसके बाद जैक जीना को लेनी समझकर किस करने लगता है। हालांकि वह बीच बीच में कह रही थी कि मैं लेनी नहीं हूँ, मैं जीना हूँ, पर दोनों रुकते ही नहीं हैं। जीना एक वाटरफॉल में एक गुफा में जाती है। वहीं हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जीना और लेनी काफ़ी बार आपस में अदला बदली कर लिया करते थे, जगह की, अपने खिलौनों की और अपने कपड़ों की। अपने बर्थडे के दिन हर साल, यानी कि अभी तक हम जिसको जीना समझ रहे थे वह लेनी थी। लेनी ने पिछली साल लॉस एंजलिस में गुजारी थी जीना बनकर,
वहीं जीना ने वर्जीनिया में लेनी बनकर पिछला साल गुजारा था और उन्होंने प्लान किया था कि वह अपने आने वाले बर्थडे के दिन फिर से अदला बदली कर लेंगी। लेनी जब उस गुफा में जाती है तो उसे कुछ क्लूज मिलते हैं जो कि जीना उसके लिए वहाँ पर छोड़ गई थी, जैसे कि किताब पर लिखा हुआ होता है, हैप्पी बर्थडे, यू गॉट बोथ लाइव्स, चूज। वहीं लेनी जीना के कपड़े पहन लेती है और पहुंच जाती है वापस से फार्म में और वह अपना हुलिया कुछ इस प्रकार बना लेती है कि वह काफ़ी समय से जंगल में गायब थी। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।